लॉर्ड आज हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं लेखिका कम सोशल एक्टिविस्ट। नमस्कार। देखिए, आप पर ये आरोप है कि आप महिला सम्मेलनों में भी अपने बॉडीगार्ड्स को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हैं। क्या आप वहां पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं? जी नहीं। हाँ, मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत तब पड़ती है जब मैं खुद का लिखा हुआ लेख श्रोताओं को पढ़ के सुनाती हूँ। उसके बाद मिस्टर एडवोकेट, देखिए, आप पर अगला आरोप ये है कि आप उन लड़कों पर कोई एक्शन नहीं उठाती जो आते जाते गली मोहल्लों में लड़कियों को छेड़ते हैं। क्यों? ऐसे लड़के हैं कहाँ, मुझे भी तो बताओ। मैं तो इन्हीं गलियों से रोज जाती हूँ, मुझे तो आज तक नहीं छेड़ा। देखिए, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं। खैर, आप पर अगला आरोप यह है कि आप गरीब कन्याओं की शादी करवाने के लिए तो हमेशा आगे रहती हैं, लेकिन जहां उनके तलाक की बारी आती है आप अपने कदम पीछे हटा लेती हैं। क्यों? मिस्टर एडवोकेट, मेरा काम है पुरुषों को सजा दिलाना, ना कि उन्हें मुक्ति दिलाना। बदतमीज पुरुष। मिलॉर्ड, आज हमारे इस कटघरे में मौजूद हैं नेता रामलाल जी, जो बेचारे इलेक्शन हारने की वजह से पागल हो गए। पागल नहीं हूँ मैं, मेरा खाली एक स्क्रू ढील है। देखा मिलॉर्ड, मैं इस पागल पर कैसे इल्जाम लगा सकता हूँ? ये देखिए, ये कैसे अपने माथे पर लिपस्टिक लगा रहे हैं। रामलाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब देना है ना। हाँ, तो मैं माइंड मेकअप ना करूं। पागल। मिलॉर्ड, ये पागल है और मैं ये केस नहीं लड़ सकता। डॉक्टर साहब, शोर मत मचाओ, नहीं तो मेरी पॉकेट में स्लीपिंग पिल्स सो रही है, वो जाग जाएगी तो मैं पार्लियामेंट में सोऊंगा कैसे? डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सॉरी, मुझे आपका ड्रेस देख के समझ जाना चाहिए था कि आप बस कंडक्टर हो। कंडक्टर छुट्टा पूछ। देखिए, आप पर अगला आरोप ये है कि आप अपने पार्टी वर्कर्स को जब भी SMS भेजते हैं तो एक ही SMS दो बार भेजते हैं, एक बार क्यों नहीं भेजते? वो इसलिए कि अगर वो एक SMS आगे फॉरवर्ड कर दें तो एक SMS तो उनके पास रहे। देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले ABC। आज हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं, इनके बारे में आप सब जानते हैं कि अगर ये एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनते। तो स्वागत कीजिए बलवान खान। ओके, ये कैटरीना का स्टाइल है, बहुत अच्छा है, तशरीफ। ओके बलवान जी, आपका हमारे इस ABC में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या किया आपने? मस्ती की डूट। बहुत अच्छा। तो बलवान जी, 2 रुपए के लिए आपका पहला सवाल ये रहा, ब्लैक बक यानी कि काला हिरन, इनमें से किस स्पीड से भागता है? ए ट्रेन की स्पीड से, बी कार की स्पीड से, सी साइकिल की स्पीड से, या फिर इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ द अबव। डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो दौड़ा ही नहीं, अगर वो दौड़ जाता तो मुझे दौड़ना ना पड़ता कोर्ट कचहरी के चक्कर में। डूड। सही जवाब बलवान जी, और ये 2 रुपए आपके हुए। 2 रुपए तो बाद में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, और 2.5 रुपए के लिए आपका अगला सवाल ये रहा, बैंड्रा की अमेरिकन बेकरी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ए पाव के लिए, बी पाव के लिए, या सी समोसा के लिए, डी वड़ा पाव के लिए? ना ए, ना बी, ना सी, ना डी, आंसर है ई, नमक जो आप मेरे सकमों पर छिड़क रहे हैं। मुझे नहीं खेलना आपके साथ, मैं जा रहा हूं यहां से। अरे अरे भैया सुनिए, वो 5 रुपए तो वापस दे जाइए। अरे देंगे कैसे भैया, वो तो हमने उनको दिया ही नहीं। आए देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन ABC में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो पहली कंटेस्टेंट हैं, इनको अगर कभी कोलकाता से दिल्ली बात करनी होती है तो इनको फोन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये कोलकाता में बात करती हैं और इनकी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाती है। प्लीज वेलकम जनता बनर्जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
प्लीज तशरीफ रखिए। जनता जी, आपका पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, लाउड स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए गिटार, बी सारंगी, सी ढोलक, या डी नन ऑफ द एबव? नन ऑफ द एबव सही जवाब, क्योंकि लाउड स्पीकर को हिंदी में तो जनता बनर्जी कहते हैं। ऐ ऐ की बोला रे, तुम बोला कि जरा जोर से बोलो तो। अरे जनता जी, वो काम तो एक्चुअली आपका है। अब खैर, अगला सवाल ये रहा, इनमें से कौन से ऐसी चीज है जो आपको आसमान में ले जाती है? ए ट्रेन, बी बस, सी साइकिल, या डी प्लेन? ये तो एकदम इजी है, डी प्लेन। ओ ओ जनता जी, ये गलत जवाब है। सही जवाब है ए ट्रेन, क्योंकि आजकल ट्रेन में बैठिए तो आपका ऊपर जाना एकदम पक्का है। ऐ की बोला तुम, हमारे साथ इधर मजाक करता है, हम तुम्हारा शो बंद करा देगा, हम लाल झंडा उठा देगा तुम्हारे स्टूडियो में, तोड़फोड़ कर देगा, हम तुम्हारा शो बंद कराएगा, मालूम है? अरे आजकल लोग नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ तो श्रीमान मंगू जी, हमने सुना है कि इस बार प्रियंका चोपड़ा के घर से चोरी करते पकड़े गए हैं आप। साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात आपकी सही है। साहब ये पहला घर है हिंदुस्तान का जहाँ मैं खुद नहीं गया था, प्रियंका ने स्वयं बुलाया था। देख लो हवलदार, का दिन आ गए हमरे। अरे हमें तो कोई चोरी करने के बाद भी नहीं बुलाता है। अरे साहब हैं जिनको चोरी करने से पहले बुलाया है, वो भी प्रियंका चोपड़ा ने। ऐसी बात नहीं है साहब, हमको भी बुलाते हैं, बराबर बुलाते हैं, लेकिन चोर लोग हिस्सा बांटने के लिए। ये जू तो चटप जूअर माउथ। ये मंगू तू बता, का चुराने गया था प्रियंका के घर पे? साहब मैं प्रियंका के घर गया था उनके मकान के पेपर चुराने। है? क्यों? अबे तू का उसका भाई लगता है। प्रियंका मेरे से बोली तू भी सामान चुराता है, मैं टैक्स चुराती हूँ, इस बहाने हम दोनों भाई बहन हुए, मेरी मदद कर। साहब इस नाते से तो हम पूरे देश के भाई हुआ ना। जू तो छटप जूअर माउथ। ये मंगू तू बता, तुमको पेपर मिले का? कहाँ मिले साहब, उल्टा इनकम टैक्स वालों के जाते ही प्रियंका ने मेरी घड़ी चैन उतरवा ली। है हेलो साहब, हम बोल रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं साहब। अरे साहब ये देखिए, आज मंगू ने तो हद ही पार कर दिया है। अरे मंगू अब तूने ऐसा क्या कर दिया? अरे यही है तो, आज ये ससुरा कछु किया ही नहीं है इसीलिए पकड़ के लाया हूँ। ये मंगू, अरे ऐसा कैसे चलेगा? अरे अपने काम में ढील रखेगा तो हमारा क्या होगा? अरे हमने भी तो छोटे 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 बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? साहब मेरी बेइज्जती हो गई साहब, मेरा दिमाग हुड़गुंबा हो गया साहब। साहब कल रात में जिस घर में चोरी करने गया था उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मुझसे बोले तुम कौन हो? मैंने कहा मैं चोर हूँ। बोले कैसे मान ले तुम चोर हो, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ ट्रेनिंग की बताओ, ट्रेनिंग सेंटर का नाम बताओ। मेरा दिमाग खराब हो गया साहब। फिर क्या साहब, आपको तो पता है हम और आप प्रैक्टिकल वाले लोग हैं, थ्योरी के लफड़े में पढ़ते ही नहीं साहब। लेकिन जब ऐसी ऑफिशियल बात हुई, ऐसी जब बेइज्जती हुई, तब मैंने फैसला किया अब मैं किसी नेता से या किसी बीएमसी के बड़े अफसर से प्रॉपर चोरी की ट्रेनिंग लूंगा। इसे कहते हैं चराग तले अंधेरा। मतलब अबे मत बोली कि हम पूरी स्टोरी सुनाते हैं, बीच में टोकना मत। नहीं साहब आप सुनाओ। अबे मंगू हमसे ज्यादा सफाई से माल इधर का उधर और उधर का इधर कौन कर सकता है? अरे हम बात टेबल के ऊपर करते हैं लेकिन काम टेबल के नीचे से करते हैं। अरे चोरी के सबसे बड़े हेडमास्टर तो है। है? हाँ।